गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESCC क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर आज चैप्टर डिफरेंशिएशन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं ऑपरेंस। डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो कैलकुलस के श्रेणी में आता है, और एक कैलकुलस जो हमारे सिलेबस में 46 नंबर का है। अगर जो विद्यार्थी कैलकुलस को अच्छा तरीका से पढ़ लेते हैं तो उनको 50% मार्क्स कैलकुलस से ही आ जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन, जिसको हम हिंदी में ऑपरेंस बोलते हैं, और अपने क्लासेस में मैं इस चैप्टर में 5.1 5.2 पहले से ही पढ़ा चुका हूँ, और आज मैं एक्सरसाइज 5.3 पढ़ाऊँगा। एक्सरसाइज 5.3 भी पूर्व वाले नियमों के अनुसार ही इसका रूल होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, इस थ्योरी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला थ्योरी हम देने जा रहे हैं, या पहला टॉपिक है जो बोर्ड पर लिख रहे हैं, अस्पष्ट फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये पहला चैप्टर का टॉपिक है, अस्पष्ट फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। वे फलन जिसमें निर्भर चर वाई को स्वतंत्र चर एक्स के रूप में पूर्णता व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है अस्पष्ट फलन कहलाता है। इसका हिंदी डिफिनेशन है, वे फलन जिसमें निर्भर चर y को स्वतंत्र चर x के रूप में पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है, तो वैसे फलन को हम लोग अस्पष्ट फलन के नाम से हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं। वे फलन जिसमें निर्भर चर y को स्वतंत्र चर x के रूप में पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है, तो वैसे फलन को हम लोग अस्पष्ट फलन के नाम से जानते हैं। इसका इंग्लिश डिफिनेशन, a function in which dependent variable can be completely expressed in terms of independent variable is called
एक्सप्लिसिट फंक्शन एग्जाम्पल y इक्वल 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5. सेकेंड एग्जाम्पल y इक्वल साइन x प्लस कॉस x. थर्ड एग्जाम्पल y इक्वल x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 2. ए फंक्शन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी कंप्लीटेड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन. एक्सप्लिसिट फंक्शन इसके एग्जांपल है y इक्वल 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5, y इक्वल sin x प्लस cos x और y इक्वल x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 2. तो ये इसका डिफिनेशन है कि स्पष्ट फलन किसे कहते हैं. तो हिंदी में वेव फलन जिसमें निर्भर चर y को एंड y को इसमें निर्भर चर बोला जा रहा है और जितना x वाला टर्म हो क्या है स्वतंत्र चर बोला जा रहा है. अगर दोनों टर्म एक दूसरे से अलग हो जाता है तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलते हैं स्पष्ट फलन के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं. और इसको एक और बोल सकते हैं कि x का टर्म x तरफ y का टर्म अगर y तरफ अगर हो जाएगा एक्सप्रेस कर सकते हैं व्यक्त कर सकते हैं तो ऐसे फलन को हम लोग जानेंगे वो कैसा फलन है स्पष्ट फलन. अब अगला पॉइंट दे रहे हैं टॉपिक है अस्पष्ट फलन. अस्पष्ट फलन इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. इसका डिफिनेशन वे फलन जिसमें निर्भर चर वाई को स्वतंत्र चर एक्स के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अस्पष्ट फलन कहलाता है. ए फंक्शन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल can be completely expressed in terms of independent variable is called
variable is called implicit function. इसका definition a function in which dependent variable cannot be completely expressed in the terms of independent variable is called implicit function. मतलब वह फलन जिसमें independent variable मतलब होता है निर्भर, जिसमें निर्भर चर y cannot be completed, जिसको complete नहीं किया सकता है, express completely, जिसको complete नहीं किया जा सकता है in terms of independent variable x, जिसको x के रूप में express नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे फलन को हम लोग अस्पष्ट फलन के नाम से हम लोग क्या करके जानते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसमें क्या अंतर है थोड़ा सा देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल जीरो। देखिए इसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि इसमें अगर y वाले y तरफ x वाले x तरफ को कभी अलग नहीं किया जा सकता है, कभी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल cos xy इक्वल x माइनस वाई, देखिए ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें x और y है जो कभी इसको अलग नहीं किया जा सकता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक तरफ और डिपेंडेंट वेरिएबल को एक तरफ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब जो एग्जाम्पल हम लोग का है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, कौन फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर का हम लोग का थ्योरी यही था, तो हमको जानना था कि डिफरेंशिएशन जो पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 में, उसमें हम लोग का दो पॉइंट आया था, दो टॉपिक आया था, पहला था अस्पष्ट फलन जिसको हिंदी में बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, और सेकेंड था अस्पष्ट फलन जिसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से क्या करके जानते हैं। दोनों में डिफरेंस यही था कि अस्पष्ट फलन में क्या था कि y वाला y तरफ x वाला x तरफ अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं, y का टर्म y तरफ हो जाए, x का टर्म अगर x तरफ हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कौन सा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो मेन हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं जो पिछले क्लासेस में 5.2 5.1 में जो उधर के डिफरेंशिएशन को अगर जानते होंगे तो 5.3 में प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, आगे देखा जाए। Some important differentiation formula. जैसे d by dx sin x, इसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, इसका एक बार फिरा दे रहे हैं, d by dx cos x का डिफरेंशिएशन minus sin x होता है, d by dx tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है, डी बाई डी एक्स sec x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, डी बाई डी एक्स cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, डी बाई डी एक्स cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x, next d by dx exponential x का differentiation exponential x, और एक formula यहां लिख रहे हैं d by dx log x का differentiation 1 by x। देखिए हम दो वर्ड बोलेंगे, एक बोलेंगे अवकलज, जास्ती हिंदी में वाले को प्रॉब्लम होगा, अवकलज को हम शॉर्टकट में बोलेंगे डीसी, इससे प्रॉब्लम घबराइएगा मत कि कहीं हम अवकलज बोले कहीं डीसी बोलेंगे, उससे घबराइएगा मत, ठीक है, या हम अवकलज बोले हम
या डीसी बोले, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो हम कभी कभी मिस्प्रिंट भी हो सकता है कि डीसी के जगह पर हम ऑफलेट बोल देंगे, ऑफलेट के ऊपर डीसी बोल देंगे, तो हिंदी मीडियम वाले से इंग्लिश मीडियम वाले का थोड़ा प्रॉब्लम फिर क्या होता है। लेकिन डीसी का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, और इसको हिंदी में हम लोग ऑफलेट गुणांक बोलेंगे, ठीक है। तो हम शॉर्टकट भी इसको ऑफलेट भी बोल सकते हैं या डीसी बोल सकते हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम कहीं वर्ड को डीसी बोलेंगे, किसका डीसी, जिसे बोलेंगे साइन एक्स का डीसी, कॉस एक्स, cos x का dc minus sin x, tan x का dc, sec square x, sec x का dc, sec x into tan x, cot x का dc minus cosec square x, cosec x का dc minus cosec x into cot x, exponential x का dc, exponential x, या इसको e to the power x भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? e to the power x का differentiation exponential x, और log x का differentiation that means dc, one way का आता x होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज करेंगे, एक डिफरेंशिएशन फार्मूला है, ठीक है। कोई पूछेगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलिएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक x into cot x, और exponential x का differentiation क्या होता है? exponential x, और log x का differentiation one by क्या होता है? x, जो कि हम लोग 5.2 chapter में हम लोग इसको study कर चुके हैं, जो आप लोगों को basic class दिए थे, है ना। उस basic classes में इस सब के बारे में बता दिए कि कैसे होता है और इसका sin x का cos x क्या होता है, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिस में c आया है, देखिए इसमें c यहाँ आया है, c यहाँ है, c यहाँ है, जिसमें c आया है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में। एक बार ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस में एग्जाम में दिक्कत हो जाता है, लेकिन उस दिक्कत को हटाने के लिए बता दिए हैं कि जिस त्रिकोणमितीय फंक्शन में, त्रिकोणमितीय फलन में सी 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 आएगा, उसका डिफरेंशिएशन एकदम बिंदास होकर माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। एक तक कंफर्म कर लीजिए कि माइनस प्लस में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा फिर से बाबू, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x into cot x, और exponential x का exponential x, और log x का 1 by का होता है x। तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला डाल रहे हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि x का, हम जानते हैं x का डिफरेंशिएशन, x का डीसी, x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन x का differentiation, WRDS, इसका मतलब क्या हो गया कि x का हम differentiation निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बाबू, हम लोग x के रिस्पेक्ट में x का differentiation, तो याद रखिएगा या पीछे बताएं कि x जहां भी आएगा उसका differentiation का लिख दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग्स, सेकेंड पॉइंट, एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, बी आई डबल एफ ई आर ई एन टी आई एन टी आई ओ एन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डब्लू आर टी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आप लोगों को पावर फॉर्मूला बताए होंगे कि इसमें रूल क्या होता है कि जितना पावर होता है उस पावर को निकाल देते हैं और उसमें से एक हटा देते हैं, ठीक है, तो टू एक्स, और मतलब 2x हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट था x क्यूब भी जान लीजिए, x क्यूब का डिफरेंशिएशन d i डबल f e r e n t i a t u n, डिफरेंशिएशन w r t x, इसका भी वही रूल हो जाएगा, 3 को बाहर निकाल देंगे आप पावर एक हटा देंगे 3x इसको, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा बाबू, y आ जाएगा, क्या आएगा वो, भाई थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है यहाँ, d i f e r e n
डिफ्रेंशिएशन डब्ल्यू आर टी एक्स ठीक है वो। अरे देखिए वाई का डिफ्रेंशिएशन है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह एक्स था तो एक्स था, यह एक्स था तो एक्स था, एक्स क्यू था तो मैं जिसके रूप में था उसके रूप में डिफ्रेंशिएशन था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है बाबू, वाई का डिफ्रेंशिएशन निकाले किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका किसी के जैसा होगा, जिससे एक्स का वन लिखे है ना तो इसी वाई का भी क्या होगा वन होगा, लेकिन एक बात ध्यान देने जो बाबू है कि हम लोग का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष है, किसके सापेक्ष है, हम लोग y का अवकलन निकाल रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो यहाँ y का कवन होगा जैसे x का वन होगा, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ x के रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है y है, इसलिए इसके बगल में dy by dx लिख देंगे, बराबर लिख देंगे dy by dx, ठीक याद रखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा कि जहाँ y होगा ना तो y के अवकलज को हम dy by का लिखेंगे dx, एकदम इसको लिख लीजिएगा है ना, कोई पूछेगा कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ठीक है तो बोलिएगा कि y का डिफरेंशिएशन जिसको अवकलज बोलते हैं, देखिए बाबू इंग्लिश बोल रहे हैं इसका हिंदी लिखा गया है, ठीक है घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है तो y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष लिया जा रहा है, इसलिए हम इसको dy by dx लिखेंगे, dx वन इंटू dy by dx लिख सकते हैं, हल करेंगे इतना लिख देंगे, ठीक है इसी के जैसा सेम क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर का डी आई डबल एफ डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू आर टी एक्स, ठीक है बाबू तो देखिए उसी की जैसा पावर को पहले बाहर निकाल देंगे, 2y हो जाएगा, आप याद रखिएगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने के बाद उसमें dy by dx का कर देंगे लिख देंगे बाबू, ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए बाबू, एग्जाम्पल साइन y, कौन y है बाबू साइन y, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी आई ए टी एल ओ एन, तब किसके डब्ल्यू आर टी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप लोग जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन cos, लेकिन बाबू ध्यान दीजिएगा कि किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है, निकाल किसका रहे हैं y का, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos y होगा, लेकिन इसके बगल में क्या लिख देंगे बाबू dy by dx, ठीक है एक बात कोई बेसिक कंसेप्ट है जो कि आप लोग एक पढ़ने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा है ना, कि जहां भी अगर हम किसी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देंगे, अगर उसमें y का जो भी टर्म होगा तो उसको डिफरेंशिएशन निकालने के बाद उसमें dy by dx को लिखना होगा, अब आप सर ऊपर वाले में क्यों नहीं लिखे, तो ऊपर वाले में इसलिए नहीं लिखे हैं कि यहाँ x निकालने x के रूप में देवे किया इसलिए नहीं लिखे हैं, x स्क्वायर है x है ना, और किसके रिस्पेक्ट में x के रूप में ले रहे हैं इसीलिए इसमें नहीं निकाल कर छोड़ दिए, ठीक है तो याद रखिएगा कि dy by dx तभी लिखेंगे जब y वाला टर्म रहेगा, तब एकदम एक दिमाग में लिख लीजिए कि जहां y वाला टर्म आएगा उसका डिफरेंशिएशन निकाल कर उसमें dy by dx लिख देना है, ठीक है तो ये आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट था जो हम 5.3 में आप लोगों को बताएंगे, तो ये आप लोगों का एक्सरसाइज 5.3 का जो बेसिक कंसेप्ट था, पहले हम लोग पढ़े थे कि स्पष्ट फलन, तवैशा फलन या वेव फलन जिसमें निर्भर चर को y को, निर्भर चर y को स्वतंत्र चर x के रूप में पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है, तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन, दैट मींस अस्पष्ट फलन, ठीक है और एक था अस्पष्ट फलन, इसका जस्ट अपोजिट था कि वेव फलन जिसमें निर्भर चर y को स्वतंत्र चर x के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्पष्ट फलन के नाम से जानते हैं, ठीक है उसके बाद आप लोग का इम्पोर्टेंट फार्मूला था जो कि पीछे बता चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 में, लेकिन यहाँ पर भी लिखवा दिए हैं कि साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos, cos का डिफ्रेंशिएशन sin माइनस साइन x, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इनटू tan x, cosec x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec x इनटू cot x, exponential x का डिफ्रेंशिएशन exponential x और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ये बेसिक कांसेप्ट है, इसमें याद रखिएगा कि जहां भी y वाला टर्म आएगा तो y वाले टर्म को डिफरेंशिएशन निकालने के बाद
उसमें डीवा बाई डीएक्स लिखना पड़ेगा। किसमें लिखना है डीवा बाई डीएक्स वालो, जिसमें वाई वाला टर्म रहेगा उसी में लिखना। डिफ्रेंशिएशन निकाल कर कैसे लिख दीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन निकाल कर आपको डीवा बाई डीएक्स लिखना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का जो कंसेप्ट था या जो आप लोग का थ्योरी था, इसका साइज 5.3 का काम समाप्त हो गया, एंड हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन हल करेंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा कि हम दोनों सिलेबस दोनों चैप्टर को लेकर बुक को लेकर चलें, केसीसी ना हो एनसीईआरटी। तब पहले एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को आप लोग को एक से आठ तक बनवाएंगे, और उसके बाद उसके बेस पर हम लोग केसीसी ना से क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दे देंगे। ठीक है, और अगर उसमें जो प्रॉब्लम होगा केसीसी ना वाले क्वेश्चन में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9852398792, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होगा इस व्हाट्सएप नंबर पर, उस क्वेश्चन को कॉपी करके भेज दीजिएगा, हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका साइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, हम लोग को फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है डीवाई बाई डी एक्स। देखिए बाबू, अब एक हाल आपकी क्वेश्चन ना कि क्या पूछेगा, तो हम लोग बात करें किसके रिस्पेक्ट में। देखिएगा डीवाई बाई डी एक्स का मतलब अर्थ क्या होता है कि हम लोग वाई का डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में बाबू, x के रिस्पेक्ट में हम लोग y का डिफरेंशिएशन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सिग्नल दे दिया, हम लोग क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। किसका निकालना है बाबू, y का। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आपको सिग्नल दे दिया है कि हम लोग का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में लेना है, x के रूप में। कहा है x के रूप में ले रहे हैं, y के रूप में क्यों नहीं ले रहे हैं, नहीं यहाँ बढ़िया नहीं करना है, यहाँ जो सिग्नल दिया वही लेना है। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में लेना है, किसका, y का। ठीक है, तो एक कंफर्म हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल क्या है, sin x। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 2x प्लस 3y इक्वल क्या है, sin x। ठीक है, तो इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बोला नहीं है, सिग्नल दे दिया है। ठीक है, d c द, इसको d बोल रहे हैं बाबू, d c w r t और क्या है x। इसका अर्थ होता है कि d मतलब डिफरेंशिएशन, c मतलब कोफिशिएंट, w मतलब विथ, r मतलब रिस्पेक्ट, टू x मतलब x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन निकाले किसका, y का। ठीक है, जैसे बेसिक था ध्यान दीजिएगा, 2 तो ही रहेगा, x आप लोग बता है x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। क्लियर, प्लस 3 आप लोग क्लास बेसिक में बता है अभी कि y जहां भी दिखाई देगा तो y का डिफरेंशिएशन क्या लेना है, dy by dx। तो क्या हो जाएगा, dy by dx, 3 dy में क्या लेगा, dx। साइन, साइन के का डिफरेंशिएशन cos x। आप एक बात सोचने वाला है, ठीक है कि सर इसमें dy by dx लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं कभी भूल कभी मत लिखिए, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में बोला है, x के रिस्पेक्ट में, और हमारा यहाँ x है खुद है, इसलिए इसमें dy by dx हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब 2 plus 3 dy by dx इक्वल क्या है, cos x। अब एक पॉइंट यहाँ है, जब इतना लिख लिया जाएगा, डिफरेंशिएशन निकाल लिया जाएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर इस बात को भूल गए तब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक पॉइंट है कि जब इतना हल कर लेंगे तो जो dy by dx का जो भी टर्म होगा, चाहे 10 गो होगा, चाहे 50 गो होगा, है ना, चाहे 100,000 होगा, उस सबको बाएं तरफ ले जाना होगा, और बाकी जो शेष टर्म होगा उसको दाहिनी तरफ ले जाना होगा। ठीक है, बराबर है, इक्वल चीज है, इसको इक्वल की साइड में लेफ्ट बोलेंगे, बाएं बोलेंगे, और इक्वल की इस साइड में राइट बोलेंगे। ठीक है बाबू, तो dy by dx का जितना भी टर्म होगा उसको हम किधर बोला देंगे, बाएं तरफ, और जो शेष होगा उसको काम देंगे दाएं तरफ, राइट साइड में। ठीक है बाबू, तो देखिएगा 3 dy by dx इक्वल
cos x और y का कैलकुलेशन जानते हैं तब माइनस का ऑर्डर भी हम लोग को निकालना क्या है बाबू यहाँ dy/dx तो dy/dx ना चेंज कर तीन है ना तो तीन को हटाएंगे तो dy/dx आप लोग जानते होंगे cos x माइनस टू और y जो मल्टीप्लाई में होता है तो कहाँ जाता है नीचे डिवाइड में ठीक है तो यही आप लोग का आंसर होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन था कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है और थ्योरी को जान लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा जहाँ भी प्रॉब्लम होगा हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं उस आप नंबर पर आप लोग जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा कैसे आया है ना हम गारंटी दे रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे और इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा इस नंबर पर आप व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को भेज सकते हैं हम उसका जवाब दे देंगे ठीक है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि किसी को दिक्कत ना हो हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जरूर लें लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो 5.2 5.1 को अच्छा तरीका से पढ़े होंगे तब और वो लोग नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा यहाँ भी दिखते होगा ठीक है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है 5.2 का भी वीडियो अगला वीडियो में हम शेयर कर देंगे ठीक है बेसिक क्लास भी जो भी पीछे पढ़ा है उसको भी वीडियो को उस वीडियो को भी हम अपलोड कर देना ठीक है घबराने की जरूरत नहीं है एक नवी एक्सरसाइज जो 5.3 चल रहा है उस 5.3 वाले क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेशन हल कर रहे हैं ठीक है तो ध्यान दीजिएगा फिर से इसको लिखना होगा ये बिना लिखे हुए मत बनाइएगा ठीक है यही बता रहे कि हम लोग क्या निकाले डिफ्रेंशिएशन निकाले किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में किसका निकाले वाई का ठीक है तो डी सी डब्ल्यू आर डी एक्स टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन प्लस थ्री वाई बताएं कि वाई का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इक्वल साइन साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स इसमें dy/dx क्यों नहीं लिए क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कोई इसमें एक्स है यहाँ हल कर लिए हल करने के बाद एक बार ध्यान दीजिएगा कि dy/dx का जो टर्म होगा वो बाएं तरफ और बाकी जो टर्म होगा उसका लिखेंगे दाएं तरफ ठीक है बाकी हल की है सेकेंड क्वेश्चन बाद सेकेंड क्वेश्चन है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल साइन वाई इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स डिफ्रेंशिएशन सेम टू सेम टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन थ्री y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल साइन का डिफरेंशिएशन cos y लिख दिए लेकिन ध्यान दीजिएगा बाबू यहाँ y है जिसने y लगा रहेगा उसका डिफरेंशिएशन निकाल कर उसमें dy/dx को लिखना होगा यहाँ लिखेंगे dy/dx ओके टू प्लस थ्री dy/dx इक्वल cos y dy/dx आप बताएं कि dy/dx को बाएं तरफ और बाकी टर्म को दाएं तरफ dy/dx बाएं तरफ बुलाया जाए तो थ्री dy/dx इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा cos y dy/dx और इक्वल माइनस टू ठीक है dy/dx का कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा बाबू थ्री माइनस cos y इक्वल का है माइनस टू अब जानते हैं कि dy/dx निकालेंगे तो नीचे डिवाइड हो जाएगा माइनस टू बाई क्या हो जाएगा थ्री माइनस कॉस वाई दैट मीन्स आंसर कैसे एक बार देखिए बाबू डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं किसका y का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में ठीक है 2x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 y का डिफरेंशिएशन dy/dx बताए हैं sin sin का डिफरेंशिएशन cos y dy/dx क्यों लिखे हैं क्योंकि हम लोग का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है और हम निकाल रहे हैं किसका sin y का तो sin का तो होता है cos लेकिन उसका y के dy/dx ठीक है बाकी जो टर्म जानते हैं कि dy/dx को दाहिने बाएं तरफ और बाकी जो शेष टर्म होगा उसको कहां ले जाएंगे दाहिने तरफ अब dy/dx का ले लिए कॉमन ले लिए हैं और बाकी निकाल लिए ठीक है एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है थर्ड क्वेश्चन ax प्लस by का स्क्वायर इक्वल cos y
ए डिफरेंशिएशन है, ठीक है बाबू। डी सी डब्लू आर टी एक्स, ए है एक्स का डिफरेंशिएशन वन, बी है, हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर वाई स्क्वायर है, पावर फॉर्मूला बता है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का आपको जानते हैं पावर को निकालेंगे टू वाई पावर में से घट जाएगा, लेकिन इतना ही नहीं छोड़ना है क्योंकि y का निकाल रहा हूँ, इसमें डीवर डीएस को क्या करना होगा, लिखना होगा इसके साथ में, ठीक है। तो वही लिखेंगे क्या, टू वाई डीवर बाई डीएस, ठीक है, cos का माइनस साइन, और इसमें भी डीवर बाई का है dx, ठीक है, a प्लस टू बी वाई डीवर बाई डीएक्स माइनस साइन वाई डीवाई बाई डी एक्स, टू बी वाई डीवाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डीवाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस ए। डीवाई बाई डी एक्स का कॉमन ले लिया जाए तो डीवाई बाई डी एक्स का कॉमन जब लेंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, टू बी वाई प्लस साइन वाई माइनस ए, ठीक है। चलिए आंसर यहां लिख रहे हैं, यहां डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई टू बी वाई प्लस साइन वाई, ये आंसर इक्वेशन नंबर थर्ड का आंसर है, ठीक है। एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है उसका मैं सोल्यूशन कर दूंगा और उसके बाद जो केसेस ना बुक से देंगे तो आप लोगों को होमवर्क दे देंगे। ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फिर से एक बार देख लीजिए, ए एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस बी वाई स्क्वायर का टू वाई, देखिए यहाँ लिखे थे मिटक गया, और डी वाई डी एक्स इक्वल माइनस साइन वाई डी वाई डी एक्स, हल किए अब डीवाई डी एक्स को बाएं तरफ बाकी टर्म को दाहिने तरफ, देखिए डीवाई डी एक्स का कॉमन ले लिए हैं और बाकी टर्म नीचे आ गया डिवाइड में। एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब फोर देखिए, अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टेन एक्स आप प्लस वाई, देखिए बाबू ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए आगे इसको हम इरेज मिटा दे रहे हैं ऊपर से, ए देखिएगा ए यहाँ दो टर्म आ गया, कितना टर्म आ गया, दो टर्म। आप लोग बताए थे कि डिफरेंशिएशन मतलब डीसी, डीसी का मल्टीप्लाई फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, तो यहाँ बोर्ड पर लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स यू भी हो जाएगा, तो यू बाहर निकलता है, भी का डिफरेंशिएशन लेते हैं, फिर भी बाहर निकलता है, यू का डिफरेंशिएशन लेते हैं, ए मल्टीप्लाई फॉर्मूला है, कौन फॉर्मूला है जो कि 5.2 जो क्वेश्चन हम बनाए होंगे उसमें बेसिक जो क्वेश्चन बताए होंगे, कंसेप्ट बताए होंगे, उसमें मल्टीप्लाई फार्मूला का यूज किए होंगे, डिवाइड फार्मूला का यूज किए होंगे, ठीक है, तो वही यहाँ पर आएगा। जो देखिएगा इस जितना हम चैप्टर पढ़ेंगे 5.3 5.4 5.6 और जितना डिफरेंशिएशन का जो भी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, अगर मल्टीप्लाई फार्मूला आवे तो मल्टीप्लाई यूज करिएगा, डिवाइड हो तो डिवाइड यूज करिएगा, जो आएगा उसको यूज करना होगा, ठीक है। तो देखिएगा तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टेन एक्स प्लस का है वाई, तो इस फॉर्मूला पे थोड़ा सा गौर करिएगा बाबू, है ना, ऊपर वाले को हम यू मान रहे हैं और ऊपर आई इसको भी मान रहे हैं, ठीक है, यू और क्या है वी है, ठीक है, क्लियर, यू और क्या है वी, तो पहले इसको हल किया जाए, ठीक है। तो देखिएगा हम यहाँ सोल्व करेंगे तो लिख दे रहे हैं थोड़ा इसको समझने के लिए क्लियर, ठीक है, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो देखिएगा एक्स वाले यू मान रहे हैं वाई वाले को भी, क्योंकि दो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो देखिए क्या रूल है बाबू मल्टीप्लाई का, यू क्या निकलते हैं बाहर, तो दैट मीन्स एक्स क्या निकल जाएगा बाहर,
और डी बाई डी एक्स भी का काम कौन किया, वाई, क्लियर, ठीक, प्लस, ठीक है। अब देखिएगा एक बार भी बाहर निकलेगा तो भी का काम कौन किया, वाई, और डी बाई का अगर डी एक्स, यहाँ का अगर एक्स, ये मल्टीप्लाई फॉर्मूला यूज किए हैं, प्लस इसके लिए वाई स्क्वायर का टू वाई आप जानते हैं, और डी वाई का बन जाएगा डी एक्स, प्लस टेन एक्स का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स का होता है, sec स्क्वायर एक्स। अब बात करें कि सर इसमें डी वाई डी एक्स नहीं लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, जो ब्रैकेट में रहेगा ना उसी का डिफरेंशिएशन लेते, इधर वाले का नहीं लेते, ध्यान रखिएगा। तो x का x से यहां से उतर जाएगा, अच्छा यहां किसका लेना, y का ना, तो y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, वन होगा, लेकिन डीवा बाई डी एक्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ वाई है, निकाल किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ वाई है या एक्स है, दोनों अलग अलग है, इसलिए हमें आपको धीरे धीरे सेम क्वेश्चन डीवा बाई का देना डी एक्स, ठीक है। ऐसे आप लोग समझने के लिए एक्स वाई का वन और डीवा बाई का बन जाएगा डी एक्स, क्लियर, वाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन। और देखिए इसमें डीवा बाई डी एक्स क्यों नहीं लिखेंगे, दोनों मैचिंग किया जाएगा इसलिए नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए टू वाई dy का बन जाएगा dx equal sec a square x plus dy dx, और आप लोग नियम जानते होंगे, इसके बाद एक बार और हल कर लिया जाए, x dy dx plus y plus 2y dy dx equal sec a square x plus dy dx, ओके। अब हम जानते हैं कि डी वाई डी एक्स को बाएं तरफ और बाकी जो टर्म होगा उसको दाएं तरफ लिखा है, डी वाई डी एक्स को बाएं तरफ और बाकी जो टर्म होगा दाएं तरफ, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स एक तरफ बाएं तरफ खुद है ही, एक ए है और एक ए है, इसको इकट्ठा कर लिया जाए, डी वाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स कहीं भागा हुआ है, यहाँ देखिए इसको लाया जाए इधर, उधर भागने कर दीजिए इसको, फिर निकट हो जाएगा, ठीक है। सेक ए स्क्वायर एक्स, सेक ए स्क्वायर एक्स माइनस का बन जाएगा वाई, ओके, dy by dx यहाँ कॉमन, x plus 2y minus 1 यहाँ क्या बनेगा बाबू, sec square x minus y। चलिए यहाँ आंसर यहाँ लिख रहे हैं हम, नहीं dy by dx आंसर यहाँ है sec square x minus y upon x plus 2y minus 1, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का चार क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे पॉइंट जो क्वेश्चन बताएंगे आगे वाला 5, 6, 7 उस समय आप लोग क्लियर हो जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्मूला, ठीक है। तो यही हम लोग का डिफरेंशिएशन एक बार फिर से देख लीजिए बाबू, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टेन एक्स प्लस का है वाई, डी सी डब्ल्यू आर टी क्या है एक्स है, देखिए मल्टीप्लाई फॉर्मूला क्यों लेंगे, यू बाहर निकलता है वी कड़ी सी, वी बाहर निकलेगा यू कड़ी सी, ठीक है। चलिए तो यू का निकला बाहर, यू एक्स को मान रहे हैं, देख लीजिए वहां पर, तो एक्स बाहर वाई का डी सी प्लस वाई बाहर एक्स का डी सी, ठीक है। टू वाई कहाँ से आया, तो वाई स्क्वायर के लिए, तो वाई स्क्वायर का टू वाई, डी वाई बाई डी एक्स लिखना है कि टू वाई है, वाई वाला टर्म कुछ भी उस पर होकर है ना, उसका डिफरेंशिएशन लेकर आउटलाइन लेकर उसने डी वाई बाई डी एक्स लिखना होगा, ठीक है, ओके। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई का वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए x बता है, y का डिफरेंशिएशन 1, dy by dx क्यों लिखे, देखिए दोनों अलग जाति का है, देखने में भी लग रहा है, प्लस y x का 1, दोनों कट कैंसिल या कैंसिल भी कर सकते, देखिए कैंसिल होगा एक हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, या आप लोग जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1, इसमें dy by dx नहीं लिखेंगे, दोनों जाति से है, ठीक है। चलिए 2 dy by dx sec square x plus dy by का by dx सिला दिए, डी वाई डी एक्स बाकी जो है मिला दिए, डी वाई डी एक्स को बाएं तरफ बाकी तरफ को दाहिने तरफ कॉमन ले गए हैं, बाकी आ जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर का हो गया 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 हाई क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इक्वल 100 इक्वल 100 ठीक है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इक्वल 100 ठीक है डिफरेंशिएशन लिखे d c w r t और क्या है x फिर वही बात x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x क्लियर y स्क्वायर का 2y लेकिन इसमें d और dx लिखना ही होगा प्लस देखिएगा ये अब देखिए मल्टीप्लाई फॉर्मूला इसको यू माना